नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। हिंदू समाज पार्टी के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के विरोध में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पंडित के शंखधार ने कहा कि 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अमन सक्सेना के नेतृत्व में पार्टी के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर आजम खान का पुतला भी फूंका। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ सलमान वारसी की रिपोर्ट। मैं हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और हमारी वर्तमान में जो योगी सरकार है उससे मांग है कि आजम खान जैसे जिहादी व्यक्ति, आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति, महिलाओं के प्रति बहुत गलत सोच रखने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उस पर इतने मुकदमे कायम हुए हैं और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। क्या कारण है, सरकार क्यों डर रही है? और आजम खान ने जो दलित भाइयों पर, वाल्मीकि भाइयों पर ब्रह्मपुर में जो अत्याचार किए हैं, उनकी जो जमीनें हड़प ली हैं, वो उनकी जमीनें, उन्हें सम्मान वापस दिलाई जाए, बस यही मांग है। आज हमने इसी परिप्रेक्ष्य में आजम खान का पुतला फूंका।